राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन के अवसर पर शनिवार को सम्मान एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजन दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज परिसर में किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सड़क सुरक्षा माह में अपना योगदान देने वाले स्कूली छात्र और छात्राओं, NCC व ट्रैफिक व पुलिस के जवान सहित अन्य लोगों को सिल्वर मेडल तथा नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया। जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पूरे प्रदेश सहित जनपद में 21 जनवरी से चल रहा था, जो कि शनिवार को 20 फरवरी को समाप्त हो गया। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान को सफल बनाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के समापन के बाद भी सड़क सुरक्षा के प्रति संबंधित विभागों के साथ मिलकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडे, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम, SP श्रीवास्तव, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य अधिकारी व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने कहा, सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता 20/2020 तक मनाए गए सड़क सुरक्षा माह के स्वागत और अभिनंदन। अब कोई उन्नति का कर्म हो जा रही नारी है देश में, यह सुनते सुना कि डका मारे कि माँ सरस्वती के समक्ष को शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मंडलायुक्त महोदय, विद्यालय की छात्राओं को और सभी अधिकारी भी यहाँ हमारे साथ ही हैं। जैसे आपको याद होगा, लगभग एक महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से सड़क सुरक्षा महीना का अभियान लोग शुरू किए थे। खासतौर पर इसी जाने पर हम शुरू करते हैं ताकि इसी सीजन में जो सड़क दुर्घटना का संख्या बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो बाकी विद्यार्थी का इस मौसम में जोड़ने में हमारा आसानी रहेगी। बट कोरोना काल में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बंद था, इसलिए तो हम लोग ऑनलाइन के जरिए से किसी माध्यम से बच्चे के भी इसी अभियान में जुड़े हैं। तो देखिए, ये मैं यही बताना चाहता हूँ कि सड़क तो चारों तरफ ऐसे गोरखपुर में जाल बिछा करके बन रहा है, आप भी देख रहे हैं, और आगे 3-4 महीने के अंदर जो गोरखपुर से तमाम विभिन्न शहर को उनके मार्ग से हम जोड़ेंगे, और भी यहाँ का लखनऊ गोरखपुर मार्ग ये भी चौड़ीकरण में है, फिर तो आगे बनारस मार्ग भी तो उम्मीद है बन जाएगा। कि अच्छा सड़क बनने में एक साइड इफेक्ट है, दुर्घटना के नंबर्स भी बढ़ जाता है अनफॉर्चुनेटली। ताकि आजकल गोरखपुर में है तकरीबन 8 लाख टू व्हीलर है, तकरीबन 1 लाख ऊपर का 4 व्हीलर है, उसका संख्या बढ़ती जा रही है। भले शहर का आबादी अब देखेंगे 15 से 20 लाख के बीच में रहेगा, बट गाड़ी का संख्या देखेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते, एक आदमी के हिसाब से बढ़ रही है। परिवार के हिसाब से पहले बढ़ता था, परिवार के एक गाड़ी होता था, एक साधन होता था, अभी आदमी के हिसाब से बढ़ रही है, तो घर पे 4 सदस्य तो फिर सबके एक एक साधन हो जाता है, मोबाइल फोन जैसे हो गया। और इसी का एक खतरा साइड इफेक्ट पड़ता है ट्रैफिक जाम पे,
बहुत इम्पोर्टेंट तरह से हमें पड़ता है तो हमारा दुर्घटना का नंबर बढ़ने से। अब इसपे इसलिए तो ये इम्पोर्टेंट हम भूमिका जो ये आरटीओ विभाग का जो परिवहन विभाग का भले होता है बट इसका दायित्व तो सभी का और हम लोग भी उसी गाड़ी से आए होंगे, आप लोग भी साथियों किसी साधन से आए होंगे। अब इसपे कि आप भी तो देख रहे होंगे कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं, ट्रैफिक नियम कानून का कितने लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कितने लोग सिग्नल में रुकते हैं, कितने लोग नहीं रुकते हैं, कितने लोग गाड़ी में ठीक कंडीशन में रखते हैं, कागज पत्र सही कंडीशन में रखते हैं, वो आप लोग भी देख रहे हैं। हमने पहले भी बताया था ऐसे कोई दिन नहीं गुजरता है गोरखपुर में बिना दुर्घटना का देखते हुए। अब आप पेपर देख सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं और मरने वाले व्यक्ति देखेंगे, सब लोग ऐसे कमाऊ सदस्य है बेचारे कहीं ना कहीं तो 20 साल से लेके 40 साल के बीच में कैटेगरी होता है। हमारा एक तरफ देश का पूंजी है, वो घर का भी पूंजी है, वो कमाऊ सदस्य है, वो आपने जान दे देता, वो परिवार का कल्पना नहीं कर सकते वो कितने पीड़ा उठाना पड़ता है, उसपे कम उम्र में विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारी घटना हम लोग देखने के लिए मिलता है। पैसा से इसको भरपाई नहीं कर पाएंगे, भले कितने भी लाख दें जान कैसे वापस आ पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये देखिए ये तो तेजी से जाकर के कहाँ जाने वाले, ऊपर ही तो जाने वाले, उससे कोई ध्यान मत दीजिए। आपका गाड़ी का सुरक्षा और आप ही का साथी का आपका परिवार सदस्य का सुरक्षा ये बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। छोटी छोटी चीज जो आपका आदत में बदलाव लाने से बहुत सारे एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। बार बार हम लोग इसलिए दोहराते हैं बिना हेलमेट पर टू व्हीलर चलता ही नहीं, यूज करना वाले आप सब्जी खरीदने के लिए भी जा रहे हैं, आप आदत डाल दीजिए। अब कैसे घर से बाहर निकलते हुए जूता पहनते हैं ऐसे होना चाहिए तो फिर एक मोटर मेमोरी होता है उसको अचानक उठा करके बस पहन लीजिए। ये जो स्टाइल बेल्ट का पहले जिंदा है तब स्टाइल बचता है और दूसरा है सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट का बहुत ही अहम भूमिका होता है जो उसको खासतौर पर फोर व्हीलर में एक्सीडेंट होता है जो बड़े तेजी से गाड़ी टकराता है, केवल एक ही साधन आप बचा सकते हैं सीट बेल्ट। वो वैसे डिजाइन कर रखा है ताकि उसके साथ सारे सिस्टम जुड़ी हुई है, जो कितने भी आप बड़े मर्सिडीज बेंज ले लें 10 तरफ से जब एयरबैग करा ले रख ले बट आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो वो खुलता नहीं, वो सिस्टम ऐसे बना हुआ है। और ऐसे नहीं है तो उसका छोटी सी गाड़ी में भी जो मान लीजिए आपका लगता है सस्ते गाड़ी में सीट बेल्ट सस्ते हो, ऐसे नहीं होता है, वो सिस्टम ऐसे बना हुआ एक बार खींचने से पूरा नहीं आता, आप भी तो कोशिश कर सकते हैं एक दो बार खींचने के बाद धीरे धीरे आता है, ताकि सिस्टम वैसे बना हुआ है ताकि एक टकराव में जो आदमी अक्सर जो ड्राइवर होता है उनका सीना उस पर लड़ जाता है स्टेरिंग पे उसी के तो तुरंत रुक देता है। फिर इसके बाद मान लीजिए ऐसे डिजाइन करा हुआ है यदि 10 बार भी गाड़ी पलटती है तब भी वो आदमी बच के निकलता है भले वो सीट बेल्ट पहना हुआ बट वो आदमी बचा नहीं पाएंगे किसको सीट बेल्ट नहीं है भले तो कितने भी महंगा गाड़ी है उनके पास हल्की सी भी टकराव है 40 किलोमीटर स्पीड में भी कोई आदमी जा करके फोर व्हीलर का किसी को ऊपर किसी गाड़ी से किसी पेड़ से टकराता है उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, तुरंत उनका सीने पे पड़ जाता है फिर हेमरेज से शॉक से मर जाता है। ये तो हम लोग अक्सर देखते हैं छोटी सी चीज दो ही चीज सबसे अच्छे मान रहा हूँ बिना हेलमेट को कतई टू व्हीलर चलाई बिना सीट बेल्ट का कतई फोर व्हीलर चलाई। आज संकल्प लीजिए केवल उसका नहीं आपका परिवार सदस्य जो भी किसको ऊपर आप प्यार जरूर इंसिस्ट कर लीजिए। हमारा आम नागरिक जो किसी को भी लगता है जो लापरवाह कर रहा है जरूर रुकिए, तो हर जगह पुलिस खड़ा होकर नहीं रोक पाएंगे, आप ही हमारा पुलिस है आप ही हमारा फौज है, ये सभी व्यक्ति को बचाना हम सबको जिम्मेदारी है। इसके साथ नमन करता हूँ आज संकल्प ले लें कम से कम जो अभियान है ये केवल एक महीने औपचारिकता नहीं पूरे जिंदगी में पालन कराना होगा, इन संकल्प के साथ जाइए यही मैं चाहता हूँ। जी गोरखपुर श्री विजेंद्र पांडियन जी आरटीओ परिवहन प्राचार्य दिग्विजय गांधी कॉलेज और इस अवसर पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों एवं मीडिया से आए हुए मित्रों, आज जब हम सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता के लिए एक माह ये कार्यक्रम चला है और आज इसका समापन हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि क्या उस एक कारण के लिए जिससे सबसे ज्यादा अननेचुरल मौतें इस देश में होती हैं हमने अपना कर्तव्य निभाया,
लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मौतें प्रत्येक वर्ष रोड एक्सीडेंट में होती है, और इसका लगभग 3 गुना 4.5 से 5 लाख लोग घायल होते हैं। जिनकी मृत्यु होती है वो ज्यादातर 40-35 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, और जो घायल होते हैं उनकी अवस्था और खराब होती है, क्योंकि वो उनमें से कई एक बड़ा प्रतिशत आजीवन किसी ना किसी पर निर्भर होता है। लेकिन जैसा कि और गंभीर समस्याओं में होता है, इसमें भी यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये नहीं होगा, किसी दूसरे के साथ होगा, जब तक कि अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड हमारे साथ ये नहीं हो जाता या हमारे परिवार के साथ ये नहीं हो जाता। और इसलिए सबसे पहला निवेदन आपसे ये रहेगा कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, और इसको समझते हुए, इसको सोचते हुए आज हम संकल्प लें कि रोड सेफ्टी के लिए जो नियम है, जो अनुशासन है, जो तरीके हैं, हम उनका अनुपालन ही नहीं करेंगे, पर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उनका अनुपालन करें। और ये सोच कि ये हमारे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ होगा, उस सोच को आज हम यहाँ छोड़ रहे हैं। दो तीन चीजें हैं, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहूंगा। एक, अंतर विभागीय समन्वय इस समस्या के निदान के लिए और इस प्रॉब्लम को यदि हमें कम करना है, कंप्लीटली तो हम डेथ जीरो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हमें कम करना है और युवा शक्ति को इस डेथ से बचाना है, आजीवन उनको की कोई प्रॉब्लम है उससे बचाना है, अंतर विभागीय समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ परिवहन विभाग के करने से नहीं होगा, मुझे लगता है लोक निर्माण विभाग का बहुत बड़ा रोल है। जब आप रोड बनाते हैं तो रोड सेफ्टी के लिए जो भी चीजें की जानी है उनको करें, जल्दी में रिजल्ट कंप्लीट करने के लिए इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का बहुत रोल है, रोड सेफ्टी या रोड एक्सीडेंट से जो भी लोग जाते हैं उनको प्रायोरिटी पर आपको चीजों को करना चाहिए। पुलिस विभाग का बहुत बड़ा रोल है, ये सारे विभागों का, शिक्षा विभाग का बहुत रोल है, और मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इसकी अचूक औषधि है, और अवेयरनेस में शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा रोल होगा। ये जो मास आपका सड़क सुरक्षा के लिए जो आयोजन किया गया है चारों जनपदों में और मंडल मुख्यालय में, इसका पर्पज भी वही है। दूसरा, ये मैं परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के लिए प्रमुखता कहना चाहूंगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्री, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नई नई तकनीकें आ रही हैं जिससे हम रोड को और सुरक्षित बना सकते हैं। डीएम साहब कह रहे थे कि रोड बनाने का, चौड़ीकरण का, उसको सुदृढ़ करने का एक निगेटिव सबसे बड़ा ये होता है कि स्पीड बढ़ जाती है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, किंतु उसके साथ साथ यदि हम तकनीक और इनोवेशन का यूज करें, आज आपके अंधेरे में ऐसे पेस्ट हो जाते हैं इंडिकेटर जो रात में भी दिखते हैं, यदि वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो ऐसे कई इनोवेशन है जिस पर मुझे लगता है कि परिवहन विभाग को लीड देते हुए इस पर अलग से एक विभागों का एक चर्चा होनी चाहिए, सेमिनार होनी चाहिए, और उसको हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोरखपुर जनपद से हम उस सड़क पर शुरू भी कर सकते हैं। सो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, नियमों का अनुपालन, ये हम सबका कर्तव्य है कि हम नियमों का अनुपालन करें, ये ना सोचें कि ये मेरे साथ नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संवेदना। यदि हम कहीं जा रहे हैं और साइड में कोई एक्सीडेंट या किसी के चोट लगी हुई कोई पड़ा हुआ है, हम ये ना सोचें कि पुलिस क्या पूछेगी, पुलिस केस होगा, FIR में हमारा नाम आ जाएगा, परेशान करेंगे, हमें ये संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यवहार जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ करें, हमें भी दूसरों के साथ नहीं करना। तो मैं यदि सड़क के किनारे पड़ा हुआ हूँ और मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि हॉस्पिटल या चिकित्सक के पास जा सकूँ, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सड़क से भी कोई जा रहा है तो मुझे सहायता करे। और ऐसा ही व्यवहार में आशा करता हूँ कि आप सभी लोग और हमारे मंडल के जनमानस में वो अवेयरनेस आएगी, वो संवेदनशील व्यवहार से लोगों की जान बचाएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पहला घंटा जो होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर का मतलब ये है कि वो उसकी मूल्य, वो सोने की तरह मूल्यवान होता है, यानी उस घंटे में यदि हम जो एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको यदि चिकित्सक के पास पहुँचा देते हैं तो किसी की जान बचा सकते हैं। ये 3-4 बिंदु थे जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। परिवहन विभाग का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया। आशा करते हैं कि हम इस सोच से कि ये मेरे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ ही होगा, उभरेंगे
आशा करता हूं कि हम संवेदनशील व्यवहार अपनाएंगे। आशा करता हूं कि हम जो नियमों का रोड सेफ्टी के लिए जो नियमों को शरीर किया गया है उनका हम अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय ये स्लोगन प्रतियोगिता का परिणाम है। द्वितीय स्थान प्राप्त कुमारी अभिलाषा गुप्ता और तृतीय स्थान प्राप्त कुमारी एकाग्री विश्व तीनों को मंत्र में आमंत्रित करता हूँ कि आकर सभी के कमलों से अपना प्रथम स्थान प्राप्त श्री प्रशांत दुबे, द्वितीय स्थान प्राप्त इस प्रतियोगिता देना चाहती हूँ कि मंडलायुक्त महोदय के दिशा इसके लिए आप सब हम मैं अपने और अपने किसी सर से अनुरोध है कि सर को सुरक्षा माह के समापन समारोह में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रांगण में हमने करीब 12 ऐसे लोगों को सम्मानित किया है जिनको जो है जिन्होंने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत अपने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किया। उनको गुड सिविलियन के रूप में हमने उनको सम्मानित किया है। गुड समेरिटन के रूप में 2 लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाया है। 2 ट्रैफिक पुलिसों को इस तरह से सम्मानित किया है कि उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जन जागरूकता अभियान चला के चौराहों पर उनको जागरूक किया है। अपने प्रवर्तन सिपाहियों को जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में चेकिंग अभियान में बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ अपना योगदान प्रस्तुत किया है उनको भी सम्मानित किया है। एक हमारे डॉक्टर कुमार त्रिपाठी जो उच्च शिक्षा के नोडल अधिकारी हैं उन्होंने सारे प्रोग्राम को उच्च शिक्षा से लेकर उच्च प्राथमिक और उच्च शिक्षा उच्च प्राथमिक वाले बच्चों को जो है विभिन्न प्रतियोगिताओं में करा के उनको विजेता घोषित कराया है और सारे प्रोग्राम को उन्होंने आयोजित किया उनको भी हमने सम्मान दिया है। और दिग्विजयनाथ
स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्होंने इस प्रांगण को हमको ये देकर कि अपना आप समापन करिए, और बीच में कई प्रोग्रामों में अपने बच्चों को उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज उनके ही बच्चे हमारे यहाँ आज समापन समारोह में नुक्कड़ नाटक और कविताओं के माध्यम से, डांस के माध्यम से अपने ही विद्यालय में और लोगों के विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक बनाया है। बिल्कुल नहीं, जैसे ये सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए गए निर्देशों के अनुसार आज ज़रूर समाप्त हो गया है एक समारोह के रूप में, लेकिन परिवहन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलाता रहेगा, चेकिंग अभियान से लेकर विभिन्न प्रवर्तन कार्यवाहियों से लेकर और जन जागरूकता से NCC कैडेट्स के माध्यम से लेकर, और हम कई विभागों के सहयोग से हम लगातार इस तरह के अभियान चलाते रहेंगे। ये आज इस ये जो समापन समारोह है ये सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जनता को जागरूक करने का सिर्फ शुरुआत मात्र है, इसको हम आगे भी चलाएंगे।